का नियंत्रण विधेयक 2030 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से रखी है। सभापति महोदय, जब ये बिल पढ़ रही थी तो क्योंकि मैं इस विधानसभा में सबसे नई विधायक भी हूँ और सबसे कम एक्सपीरियंस में भी हूँ, और कहीं ना कहीं कल से जब से बिलों पर चर्चा होनी चालू हुई है, भली वो विश्वविद्यालयों के बिल हो या फिर भली ये संगठित अपराध का बिल हो, सभापति महोदय, सरकार को ये गलत फहमियाँ हो गई है कि बिल ले आओ और सरकार बचा लो। बिल लाने से सरकार नहीं बच सकती, वैसे ही ये बिल लाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। सभापति महोदय, सिरोही से आए हुए माननीय विधायक ने ड्रग्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी है। मेरे पास ये एक आर्टिकल है जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है डीजीपी द्वारा, और स्पष्ट आंकड़े लिखे हुए हैं कि पिछले 4 वर्षों में क्राइम 31% से ज़्यादा बढ़ गया है। सभापति महोदय, इसमें एक लाइन ये दी गई है अचीवमेंट्स के अंदर, एक्शन टेकन अगेंस्ट 2000 पुलिस पर्सोनल फॉर वेरियस डिसिप्लिनरी एक्शंस, यानी 2000 पुलिस कर्मियों के ऊपर एक्शन लिए गए। सभापति महोदय, ये हालात हमारी स्टेट के हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है सभापति महोदय कि करप्शन के अगेंस्ट 107 पुलिस पर्सोनल को अरेस्ट किया गया, 2500 किलो मैरिजुआना पकड़ा गया। सभापति महोदय, 2500 किलो अगर पकड़ा गया तो रू कांपती है ये सोचकर कि कितना मैरिजुआना, कितना ड्रग्स हमारे प्रदेश में फैला हुआ होगा जब ये आंकड़े पकड़ा जाने वाले हैं। हम सब जानते हैं इस बात को सभापति महोदय कि ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये एक ऐसे विषय हैं जो बहुत जने बोलते नहीं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है। हर सिटी में, हर जगह ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सभापति महोदय, राजसमंद की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको 3-3 अल्कोहल वाइन शॉप्स मिलेगी, और सभापति महोदय, शर्म आती है ये बात सोच के कि जहां पर जिस प्रदेश को जाना जाता था मान और सम्मान के लिए, वहां पर आए ये घटनाएं, अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन चीज़ों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। सभापति महोदय, ड्रग्स, युवाओं को इजीली स्मोक्स अवेलेबल होना, इन सब पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि किस तरीके की नियंत्रण हमें लाना चाहिए। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उस पे तो कोई चर्चा कभी इस सदन पर होती नहीं। मैं यहाँ पर इस सदन में खड़े होकर हर उस माँ की तरफ से बोलना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को कोटा जैसी जगह, उदयपुर जैसी जगह, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जयपुर जैसी जगह भेजते हैं ये सोच के कि हम हमारे बच्चों को भेज रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन मन में यही डर रहता है कि इस तरह की चीज़ें जो इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है। सभापति महोदय, हम जब छोटे थे तो एक बात मेरे दादा हमेशा कहते थे कि अगर पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करे, अगर सीआई या एक हवलदार अपना काम सच्ची निष्ठा से करे, तो मंदिर से कोई एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता। और अब तो ये हालात है कि मंदिरों की दान पेटियां, मंदिरों की मूर्तियां तक चोरी हो जाती है। सभापति महोदय, यहाँ पर इस सदन में खड़े होकर ऑर्गेनाइज क्राइम का ये विधेयक लाना, और इस क्राइम के अंदर, इस विधेयक के अंदर जो लिखा गया है सभापति महोदय, इस कानून में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इसको दुरुपयोग किया जा सकता है, ये बात मैं आपको कह सकती हूँ। कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी कि ऑर्गेनाइज क्राइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि ये क्राइम हम ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर मानते हैं। सभापति महोदय, कल को तो फिर अगर कोई धरना प्रदर्शन जब हमारी सरकार बनेगी और आप लोग करेंगे तो वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाएगा क्या? सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने पहले भी मिशा कानून के नाम पर इस बहुत दुरुपयोग किया है प्रशासन का,
और दोबारा हम कहीं ना कहीं उसी लाइन पर जा रहे हैं। साइबर क्राइम की बात कही गई, सभापति महोदय, साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जो हम सब, ऐसा यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके पास कॉल नहीं आए होंगे या फेक कॉल्स नहीं बोले गए होंगे कि आप ये लॉटरी जीते हैं और आपको इतने रुपए आप डालें और आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास कभी जीवन में अभी तक एक बार ये कॉल नहीं आया हो। सभापति महोदय, डेटा इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। ये कॉल्स हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स पर जब हम हमारे नंबर्स को डालते हैं तो वो डेटा इतना इजीली अवेलेबल हो गया है इन लोगों के पास। उनको नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ कर रहे हैं, हमने इस बात की तो चर्चा ही नहीं करी। वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो भी बहुत ऊपर से विदेशों के नंबर आते हैं कि +44 का आ गया कि लंदन से बोल रहे हैं आपको भैया ये लॉटरी मिल रही है। सभापति महोदय, फिर से एक बात दोहराऊंगी कि जिस इम्पॉर्टेंट इशू की हमें पिछले 4 सालों में ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वो चुनाव के 3 महीने पहले ऐसा क्या हो गया कि इस ऑर्गेनाइज क्राइम के विधेयक को लाने की हमें इतनी अर्जेंट ज़रूरत आज लग रही है। सभापति महोदय, सिरोही से आए हुए विधायक ने एक बात बहुत अच्छी कही और बहुत पॉजिटिव सोच के साथ कही कि हम लोगों को विधेयक ये ज़रूर लाना चाहिए, लेकिन ये सोचें कि इस विधेयक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। इसमें ये लिखा गया है इस विधेयक में कि SP साहब के सामने अगर कोई बात कही गई, कोई गवाही दी गई तो उसको माना जाएगा। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई दबाव के अंदर, सभापति महोदय आपको तो पता है मैं वैसे भी बहुत कम बोलती हूँ और अभी करें, प्लीज, 2 मिनट है तो समाप्त करें, मैं कंक्लूड करूंगी, 1 मिनट और दीजिए आप सभापति महोदय। हम जानते हैं कि इसका भी दुरुपयोग बहुत ईजिली हो सकता है, तो इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको संशोधन लाकर और इसको इम्पैक्टफुल करें ताकि लोगों को एक्चुअली में सुविधा मिले। सभापति महोदय, इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि 10 वर्ष की अवधि के भीतर भीतर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक आरोप पत्र किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें सजा 3 वर्ष से अधिक की अवधि की हो, यदि न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तो उसे भी संगठित अपराध माना जाएगा। सभापति महोदय, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दुरुपयोग है। मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि बात तो बहुत सारी कहनी थी क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा बायस है बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन मेरे राजसमंद क्षेत्र में एक बच्ची जिसका पिछले 1.5 महीने से अपहरण हो गया है, बेबी ताहिरा, कितनी बार हमने बोला उस बच्ची को हम आज तक नहीं लेकर आ पाए, उस किडनैप को नहीं कर पाए। इस सदन में बैठकर हम ये संगठित जो विधेयक है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, सभापति महोदय, वुमेन ट्रैफिकिंग का क्या, ऐसी कितनी गिरोहों का क्या, उनको पकड़ने का क्या, उस बारे में चर्चा करनी चाहिए और पुलिस को उस बारे में करना चाहिए। अंत में अपने बात को यहीं पर रोकते हुए आपको यही कहूँगी कि इस प्रस्ताव को आप जनमत जानते हैं तो प्रसारित किया जाए और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मिसिंग है, उसको ज़रूर लेकर आएँ। धन्यवाद सभापति महोदय।